तो आज की जर्नी के लिए हम लोग रेडी हो गए, पैकिंग हो गई है, गाड़ी आ गई है नीचे और हम लोग हो गए हैं रेडी। पीछे दिख रहा है साई हीरो, साई द हीरो। खाओ पियो मस्त रहो, क्या बोलता साई? तो खाओ पियो मस्त रहो। गाड़ी आ गई है, पैकिंग हो गई है, बस 10 मिनट में हम लोग नीचे उतर रहे हैं और फिर आज की जर्नी होगी चालू। और एक और चीज़, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं अजीत और आप देख रहे हैं माउंटेन बाइकर अजीत। तो चलिए नई जर्नी पे चलते हैं। भाई हम लोग निकले थे देहरादून से और अभी है ऋषिकेश में और नाश्ता करने रुके हैं। तो निकल के करीब समझो 1-1.5 घंटे हो गए, तो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया है। अभी जाते हैं नाश्ता करते हैं। क्या बोलते हो साई भैया, कैसा था रास्ता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। क्या क्या है नाश्ते में? नाश्ते में है पराठा, आलू पराठा है, आलू प्याज पराठा है। अच्छा, आलू पराठा है और तो क्या क्या है उसके साथ? जीरा हलवा था, चना मसाला। सीन ऐसा है कि कितना डिस्टेंस हम लोग ने कवर किया होगा? कम से कम मेरे हिसाब से 85 किलोमीटर। तो 60-70 या 80 पकड़ लो, 80 किलोमीटर कवर किया है। सुबह निकल गए थे होटल से नहा धो के, क्योंकि होटल में सुबह किचन बनता होता तो चाय वाय मिली नहीं। तो ये दिन की पहली चाय है और पहला कुछ है जो पेट में जाने वाला है, तो पहले खाते हैं। और हमारे जो ड्राइवर है, वैसे तो है ड्राइवर बट है अपनी एज का, अपने से थोड़ा छोटा ही है, तो रास्ता बात करते करते अच्छा से कट रहा है, बातें क्या रही वो नहीं सुना सकता। भाई नाश्ता किया हम लोग ने, ओके ओके था, उतना कुछ ग्रेट नहीं था। क्या बोलता है साई नाश्ता? हाँ ठीक था, मतलब ठीक ठाक था ना? ठीक था, बट ये था कि रास्ते में प्रॉब्लम नहीं हो गया थे नाश्ते से। हाँ ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का था, टेस्ट उतना नहीं था, चाय अच्छी थी, पर चाय अच्छी थी और हाँ ठीक था। चलो आगे बढ़ते। वो जो पॉइंट है वहाँ पर हो गया था लैंडस्लाइड और आधा घंटे से हम लोग खड़े हैं। अभी रास्ता साफ़ हो गया वहाँ पर, वो जो वहाँ बुलडोज़र चल रहा है, आधे घंटे से हम यहाँ खड़े हैं। और जब हम आए थे तो अब साफ़ सफाई चालू थी, तो अब साफ़ सफाई हो चुकी है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है निकल रहे हैं, बट देखते हैं निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। सही क्या हुआ, चालू हुआ रोड? ये रास्ता
रास्ता ऐसी अच्छी अच्छी रास्ता है। तो भाई यार सीन ऐसा है कि पहले इससे पहले वाले शॉट में देखा था हम लोग एक लैंडस्लाइड में फंस गए थे, उसके बाद थोड़ा आ गया था 10-15 मिनट का लैंडस्लाइड एक और हुआ था, अब ये तीसरा मिल गया है, तीसरी बार फिर लैंडस्लाइड ही है। देखो तो ये तीसरी बार हुआ है, दूसरा वाला मैंने कैप्चर नहीं किया, बस तीसरा वाला देख लो। तो दूसरा वाला तो एक्चुअली लैंडस्लाइड हुआ था, बट हमें उतना टाइम नहीं लगा था, 5 मिनट गाड़ी रुकी थी फिर चल दी, बट 5 मिनट के बाद 5 मिनट और चली है गाड़ी, और फिर ये भाई ये तीसरा हो गया। और सही बात है यहाँ गर्मी ज़्यादा लग रही है, गाड़ी रुक गई है ना तो पता चल रहा है गर्मी यहाँ पे। भाई ब्लॉगर हो आप, सिचुएशन बताओ लोगों को। अरे यूट्यूब से एक रुपया भी आया नहीं अभी तक। वहाँ सिचुएशन बताओ जाकर लोगों को कि भाई ऐसी धूल आ रही है। तो भाई यार अभी बताया था तीसरा वाला लैंडस्लाइड, अभी चौथा भी हो रहा है, और चौथा वाला सबसे ज़्यादा बुरा इसके लिए क्योंकि भाई ये धूल देखो, ये विंडशील्ड देख रहे हो, विंडशील्ड से अब आगे दिखना मुश्किल हो गया, ये देखो डिफरेंस इतना है। बड़े लैंडस्लाइड मिल रहे हैं, पूरी ज़िंदगी का आज ही मिल रहा है। अभी भाई एक हॉल्ट लिया हम लोग ने, हॉल्ट बोले तो कुछ मिनट्स का ही है, यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू था तो सोचा आप लोगों को दिखा दो। और ये देखो व्यू ऐसा है, कुछ बड़ा अच्छा है, क्या बोलना चाहेगा जगह के बारे में? बहुत सुंदर, अति सुंदर, खूबसूरत। तो भाई लोग कितना बज रहा है? 1:45 हो रहे हैं, हम लोग होटल से निकले थे करीब 7 बजे, 7 बजे निकले थे, 1:45 हो रहा है, रुद्रप्रयाग के आगे हम लोग, देहरादून से रुद्रप्रयाग के आगे। अब किलोमीटर कितना उसका मेरे को आइडिया नहीं है, वो तुम लोग गूगल कर लो, गूगल मैप में देख लो। फिलहाल एक और संगम दिखा है हम लोग को, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली कैसा हुआ था, जब हम लोग सुबह निकले थे देहरादून से तो याद है शुरू में जंगल आए थे, जंगल आए तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि कितना मज़ा आएगा ये वो, और मज़ा आ भी रहा है, अभी भी मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो जंगल थे मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद आई थिंक कहाँ से अपना चालू हुआ, ऋषिकेश से ना, ऋषिकेश से फिर माउंटेन वाला एरिया चालू हो गया, हिली एरिया, मतलब जैसा आप अभी देख रहे हो ना, इधर रोड है और यहाँ पर गंगा माता बह रही है, तो ये रास्ते चालू हो गए। तो पहली बार जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा, और अब तो मतलब ऐसे आँखों में बस गई ये चीज़ें, और बड़ी सुंदर है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि यार गर्मी बहुत है यहाँ, दोपहर के टाइम में बहुत गर्मी है, सुबह ठंडी है। और हम लोग के साथ जो हमारा ड्राइवर है गौरव नाम है ना, सौरभ ने बोला कि 4 बजे के बाद यहाँ ठंडी बढ़ेगी, बट हाँ उसने ये भी बोला था कि दोपहर को यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसा लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन यार एक नंबर है, ये जो नेचुरल साइट्स है ना, ये पहाड़ देखो, मंदिर देखो, गाँव देखो, बहुत अमेजिंग है, मतलब मुंबई दिल्ली वाले आते ही इसीलिए यहाँ पर।
लो भाई लोगों, भैया का चैनल सब्सक्राइब कर दो अच्छे से, जल्दी से भैया का चैनल सब्सक्राइब कर दो अच्छे से। ओके भाई, सौरभ का नंबर मैं दे दूंगा। अभी आज तो हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं कल थोड़ा कार्यक्रम है, कार्यक्रम करके जब हम लोग वापस देहरादून आएंगे तो मैं सौरभ का सब डिटेल दे दूंगा। कांटेक्ट करो, देहरादून आ रहे हो कभी, कहीं आना जाना हो लंबा। अच्छा यार, सफ़र बहुत अच्छे से कटेगा, हम लोग अभी बहुत अच्छे से सफ़र जा रहा है, हंसते खेलते बात करते जा रहे हैं हम लोग। बहुत बकचोदी हो रही है देखो, ये बकचोदी बोलने में जो स्माइल आ रही है, देखो देखो। चलो भाई वापस गाड़ी में जाते, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच के वापस गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं और आधे आधे घंटे में कहीं खाने के लिए ब्रेक लेंगे तो फिर वापस मिलते हैं, ठीक है। बाकी भी रास्ते में कुछ भी ऐसा मस्त दिखा तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, टेंशन मत लो, मैं दिखाऊँगा जो भी अच्छा आएगा दिखाऊँगा। भाई लोग, अभी हो रहा है दोपहर के 2:30 और फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम लेंगे अपना लंच ब्रेक, क्योंकि लंच ब्रेक भी लेना था, मुझे भूख लग रही है। साई को थोड़ा सा मोशन सिकनेस जैसा हो रहा है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, ख़राब नहीं है पर थोड़ा सा ऐसा मोशन सिकनेस समझ लो, तो वो तो कुछ खाएगा नहीं बट हम लोग खाने वाले हैं, मतलब मैं खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। उसको प्रेशर नहीं डाल दे क्योंकि शायद पलटी हो जाए पूरा, तो इसके लिए। और बाय द वे, जहाँ हम लोग खाना खाने वाले वहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। तो भाई लोग, पहली बात तो सॉरी कि लास्ट शॉट जो हुआ था वो हुआ था उस जगह का जहाँ हम लोग ने लंच ब्रेक लिया था, और लंच ब्रेक लेने के बाद भाई मैं ना थोड़ी देर तो पहले सुस्ताया, कुछ ब्लॉक करने का मूड नहीं हुआ, और उसके बाद जो हुआ भाई सो गए, बहुत गहरी नींद सोया भाई, बड़ी तगड़ी। इनको कुछ होश नहीं आया, हम उठाते रहे कि उठो भाई यहाँ भालू है, लेकिन हमें बाद में रियलाइज हुआ कि एक पांडा हमारे साथ ऑलरेडी चल रहा है जो कहीं भी टेढ़े होके सो जाता है। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत बुरी नींद सोया हूँ मैं, मुझे एक टाइम के बाद तो याद ही नहीं कि क्या हुआ, कहाँ से आए, कौन सा रूट लिया, कुछ नहीं। सीधा मेरी आँख इस जगह पे खुली है, और जहाँ हम लोग हैं ये जगह का नाम है गौरी कुंड, ठीक है। तो अब जो समझदार और होशियार होंगे उनको कल का प्लान पता चल गया होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, और अगर अभी भी नहीं समझा कि गौरी कुंड से कहाँ जा रहे हैं तो फिर भाई कल के ब्लॉग का वेट करो, गूगल करो, 90% पब्लिक को तो पता चल ही गया होगा कि गौरी कुंड से जाते कहाँ हैं, ठीक है। अब अगर नहीं समझा तो गूगल करो या कल के लिए वेट करो, ठीक है। तो भाई लोग, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, सॉरी सो गया। और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भाई दूसरों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तुम लोग जानते हो ना अपना कंटेंट फैमिली फ्रेंडली होता है। तो मिलते हैं अभी कल, और ये रहा अंधेरा है, क्या करो, यहाँ अभी फ़िलहाल यही हाल है, और ठंडी भाई बहुत है, 5°C है टेम्परेचर, समझ रहे हो, तो इसके लिए सब चालू है। तो कल मिलते हैं एडवेंचर के साथ, टिल देन स्टे सेफ, माउंटेन बाइकर अजीत देखते रहो, कल मिलते हैं, बाय।